हेलो स्टूडेंट्स, दिस सेशन फॉर क्लास फोर्थ सब्जेक्ट रीजनिंग चैप्टर 12 लेक्चर नंबर 1. टुडेज टॉपिक इज सीरीज. अ सीरीज इज अ कंटिन्यूअसली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय सम पर्टिकुलर प्रीवियसली डिफाइंड रूल. अप्लाई दैट प्री डिफाइंड रूल, इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज. Some examples are given below. Example number 1. Please choose one correct answer. 1, 3, 5, 9, 11. There are one items missing. We can conclude that the missing numbers in the series should have a difference of 2 between the items adjacent to them on either side. The number 7 complete the series. Okay, बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? एवरी डिजिट के बीच में क्या 2-2 का डिफरेंस है. ओके, जैसे 1 में अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 3. तो 3 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 5. और 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7. तो आवर सीरीज इज कंप्लीट. राइट आंसर इज 7. ओके, एग्जांपल नंबर 2. लुक एट द सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? ओके, दिस इज अ सिंपल अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज. इन द फर्स्ट पैटर्न 3 इज एडिड, इन द सेकेंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड. ओके, देखिए बेटा, अगर 7 में 3 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 10 आता है. और 10 में से -2 करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है. 8 में +3 करते हैं तो क्या आता है? 11 आता है. 11 में से -2 करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है. 9 में +3 करते हैं तो 12 आता है. और 12 में से -2 करते हैं तो क्या आता है? 10 आता है. तो आवर राइट आंसर इज 10. ओके, एग्जांपल नंबर 3. एस सी डी टी ई एफ यू जी एच डैश डब्ल्यू के एल. ओके, देयर आर 2 अल्फाबेटिकल सीरीज हियर. द फर्स्ट सीरीज इज द विद द फर्स्ट लेटर्स ओनली एस टी यू वी डब्ल्यू. द सेकेंड सीरीज इन्वॉल्व द रिमेनिंग लेटर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट करना आप फर्स्ट डिजिट पे. एस टी यू, क्योंकि बात कहता है वी और देन डब्ल्यू. तो फर्स्ट वर्ड क्या हुआ हमारा? वी. अब रिमेनिंग लेटर्स पे कंसंट्रेट कीजिए. सी डी ई एफ जी एच आई जे फिर के एल. तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बना? वी आई जे. तो हमारी सीरीज कहां से कंप्लीट होगी? वी आई जे. आवर आंसर इज सी. ओके, this is your homework according to this lecture. Okay, look at the series 36 34 30 28 24. what number should come next? So beta, hame isme find karna hai in 4 options mein se right option kya hai wo hame yahan pe fill karna hai. Okay, same question number 2. Look at this series 22 21 23 22 24 23. what number should come next? इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करके करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लुक एट दिस सीरीज 21 9 21 11 21 13 21 डैश. what number should come next? हमें फाइंड करना है इन 4 ऑप्शन में से कि वो राइट डिजिट क्या है या राइट नंबर क्या है जो इस सीरीज को कंप्लीट करता है. ओके,
क्वेश्चन नंबर फोर, जे ए के, के बी एल, एल सी एम, एम डी एंड डैश, हमें यहाँ पे फिल करना है इन फोर ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, बी सी बी, डी ई डी, एफ जी एफ, एच आई एच डैश, हमें फाइंड करना है कि सीरीज को इन फोर ऑप्शन में से कौन सी सीरीज है जो इस सीरीज को कंप्लीट करती है। फाइंड आउट वर आंसर। ओके, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11। ओके, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर वन, हियर द कैन नॉट ओल्ड मैन क्लियरली, तो वर्ड्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनता है, द ओल्ड मैन कैन नॉट हियर क्लियरली। क्वेश्चन नंबर टू, गॉड टू वी डेली प्रे, तो इनको सेंटेंस को रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा क्या बनता है, वी प्रे टू गॉड डेली। क्वेश्चन नंबर थ्री, इज द मिल्क फूड कंप्लीटली, सेंटेंस को रीअरेंज करना है इसमें भी, मिल्क इज द कंप्लीट फूड। क्वेश्चन नंबर फोर, बॉय गुड इज मोहन, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, मोहन इज अ गुड बॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, राइस इज इन द ईस्ट द सन, तो राइट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, द सन राइस इज इन द ईस्ट। थैंक यू।